प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई है। जयपुर के विधानसभा क्षेत्र के लोगों में क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या उनकी समस्या है, आइए जानते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का आगाज राजस्थान में हो चुका है। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है, जहां एक और सभी सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं प्रदेश की जनता भी लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभाने को तैयार है। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि प्रदेश की जनता किन मुद्दों और समस्याओं को ध्यान में रखकर 25 नवंबर को अपना वोट डालने जा रही है। जनादेश में जयपुर के विधानसभा क्षेत्रों का हाल जानेंगे। क्या वहां की जनता है खुशहाल या फिर वहां की जनता है बेहाल, जानेंगे आज जयपुर के विधानसभा क्षेत्रों का हाल। अवामेल विधानसभा क्षेत्र के वासी हम, हमारी समस्या ये है कि यहाँ पर जो गंदगी वगैरह और यहाँ पानी आता है, रोड पहले नीची थी अब ऊंची हो गई, यहाँ पर बारिश का भी पानी दुकानों में अंदर चला जाता है और ट्रैफिक इतना रहता है कि ग्राहक बिल्कुल रोड पार नहीं कर पाता है। ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ पर, और गंदगी तो रहती है, साफ़ सफाई बहुत कम होती है। थोड़ी सी ट्रैफिक की समस्या है और बारिशों के दिनों में बहुत दिक्कत होती है पानी वगैरह की, तो उसके लिए हमें चाहते हैं सरकार से कुछ हमारे को सहयोग करे तो हम उसके बहुत आभारी रहेंगे। हम मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बोल रहे हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये सहकार मार्ग के बाद साथ में लगी हुई परिवहन मार्ग है, जो 22 गोदाम सर्किल से टूवर्ड्स राजस्थान विधानसभा की तरफ जाती है। इस वक्त इस रोड पे बहुत सारे भिखारी, कचरा, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे ही विधानसभा शुरू होने का समय आता है, 10 दिन पहले ये सारे भिखारी यहाँ से हटा दिए जाते हैं, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ये रोड पूरी साफ़ हो जाती है, यहाँ की सारी लाइटें चालू हो जाती हैं, कैमरे चालू हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा साल में 2 ही बार होता है जब विधानसभा चलती है, अदरवाइज़ ये पूरा एरिया इस वक्त बहुत ही गंदगी व्यवस्था में है। मेरा निवेदन है कि आने वाली जो भी सरकार है वो इसकी तरफ ध्यान दे। मैं चौड़ा रास्ता में हूँ, हवा महल क्षेत्र आता है हमारा। समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर है, मैं उसको बहुत गंभीर समस्या इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो समस्या एक तरह से नासूर बन चुकी है। वो समस्या है भिखारियों की। हमारे यहाँ तो विशेषकर भिखारियों ने तब परेशान कर रखा है, 5-7 की टोली में आके बैठ जाती हैं, दिन भर यहाँ रहती है, थैले भरती रहती हैं, इन पर ना आप हाथ उठा सकते, कहीं भी कंप्लेन करो तो स्वीकार्य नहीं है, परेशान कर दिया बिल्कुल। दूसरी समस्या पार्किंग को लेकर साहब, जैसे जैसे त्यौहार पास में आ रहा है वैसे वैसे समस्या बढ़ती ही जा रही है। हमारी 2-3 जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत वो होनी चाहिए, जैसे एक तो हमारे लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पावर कट्स जो हैं बहुत होने लगे हैं और प्रोलॉन्ग पीरियड में, बहुत लंबे समय के लिए होते हैं। दूसरा हमारा मेन प्रॉब्लम है कि बारिश वगैरह आती है, तो मैं पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि ये पूरा, अगर आप रोड देख सकते हैं तो यहाँ पर पानी भर जाता है हमारे, तो आप रोड सामने वाली आप देखेंगे तो उधर पूरी टाइल्स लगी हुई हैं, पूरा प्रॉपरली मैनेज्ड है, और यहाँ पे हमारे नीचे पूरा टूटा हुआ रहता है, टाइल्स नहीं है और ये सारा नाले ब्लॉक हो जाते हैं, तो सीवरेज की भी प्रॉब्लम है। जो यहाँ पर रोड है वहाँ पर रेड लाइट थोड़ी और ज़्यादा आ जाए, थोड़ा मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे से हो जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो, ताकि सब ईजिली यहाँ पर ट्रैवल कर पाएँ। कोविड के बाद में जो स्थितियां बनी उसके बाद में किसी भी सरकार ने व्यापारी के लिए कुछ नहीं सोचा। व्यापारी व्यापार कैसे करे, जिस तरह से समस्याएं पूरे बाजारों में, अतिक्रमण की सबसे बड़ी समस्या लेके चल रही है, पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है जयपुर शहर के अंदर, अगर 4 दीवारें देखो या आउट एरिया में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पूरी व्यवस्था 2 घंटे की होनी चाहिए, 2 घंटे की पार्किंग होनी चाहिए, उसके बाद में नगर निगम के द्वारा जिस तरह से साफ सफाई और जो चीज़ नहीं हो रही है, मैं बताना चाहूँगा कि जयपुर जैसे बढ़िया शहर के अंदर जिस तरह से गंदगी का माहौल है, दीपावली बिल्कुल नज़दीक है, उसके बाद भी अभी तक कोई सफाई पर नहीं ध्यान दे रहा है। हम चाहते हैं कि व्यापारी अपना व्यापार करे, लेकिन उसके लिए सुविधाएं भी चाहिए। विद्याधर नगर में सबसे मेन समस्या इस वक्त जो है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। सबसे ज़्यादा महिलाएं, अभी पहले नहीं थी ये प्रॉब्लम, लेकिन अभी इस वक्त ये हो रहा है कि रात को आप वॉक के लिए निकल गए तो मुश्किल हो गया, या बच्चियां जैसे स्कूल कॉलेज से कोचिंग से लेट आती हैं, तो अभी इस वक्त सेफ नहीं है बिल्कुल भी। बीच में इन दिनों में चोरी का भी हो गया, लूटपाट की घटनाएं भी काफ़ी विद्याधर नगर में आई। सुदर्शनपुरा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्कीम नंबर 1 गोलीमार गार्डन का निवासी हूँ। यहाँ पर पट्टों को लेके बड़ी असमंजस की स्थिति चल रही है,
कई सरकारें आ गई और चली गईं, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर पट्टे नहीं दिए। हमारे यहाँ पर अधिकांश लोगों के पास पट्टे नहीं हैं। कुल मिलाकर राजधानी जयपुर की जनता के ये सारे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए 25 नवंबर को आयोजित होने वाले चुनाव में वो मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।